नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल पर, आपका प्यारा चैनल पर। श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, जी हाँ वो तो आप जानते हैं, श्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स आप सबके सामने पर डे आते हैं, रोज मशीन के बारे में दिखाते हैं, मशीनरी के बारे में दिखाते हैं, जो पार्ट्स एक्चुअली मशीन में होना चाहिए उसके बारे में जिक्र करते हैं, प्रोडक्शन एक्चुअली क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। हम ये चर्चा करते हैं कि इस मशीनरी को आपको किस तरह चलाने हैं, प्रोडक्शन कैसे निकालने हैं और प्रोडक्शन का क्वालिटी एक्चुअली कैसे फर्स्ट क्लास बने। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं, कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल के दौरान मिल जाते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हर दिन मशीन दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग मशीन का मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग मशीन बनाते हैं। हम लोग कौन सा मशीन बनाते हैं? जो मशीन आपको लॉन्ग टाइम तक चले, जिसमें आपका क्वालिटी बने, जिसमें आपका बिजनेस बने, हम वो मशीन बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये 11 फीट का एक रोस्टर मशीन है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ अभी। इसे जो असेंबल किया गया है, 11 फीट का एक रोस्टर मशीन है, इसे ऐसे इस तरह असेंबल किया गया है, यानी कि जो नेकेट रोस्टर मशीन आप देख रहे होंगे शायद मेरे पीछे, वो नेकेट रोस्टर मशीन है, वो भी 11 फीट का, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये जो 11 फीट का रोस्टर मशीन है, उस नेकेट रोस्टर मशीन को हम लोग कुछ इस तरह बना दिए हैं, ताकि भट्टी बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कोई कोई कस्टमर को। जब लंबा मशीन होता है तो उसमें भट्टी बनाने में कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं, अलग से टेक्नीशियन का खर्चा होता है, तो आपका टेक्नीशियन का खर्चा बच जाए, आपका टाइम बच जाए, इसी बजाय हम लोग क्या किए हैं, मशीन का ऊपर भट्टी हम लोग बना दिए हैं। और ये मशीन आप घर जा करके सिंपल आपको बैठाना है, किस तरह आपको इसमें भट्टी बनाना होता है ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे, किस तरह भट्टी बनाया जाता है, कैसे करके इसमें से हीट दिया जाता है, कैसे प्रोडक्शन निकाला जाता है। दोस्तों, आपका काम है मशीन को पहचानना, सही मशीन को अगर आप पहचान लेते हैं तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को चला सकते हैं, और अगर शुरू में आप गलत मशीन को चूज कर लेते हैं तो आपका मशीन सक्सेसफुल नहीं बन सकता है, क्योंकि शुरू में आप गलती कर बैठते हैं। ढेरों सारे कस्टमर का फ़ोन हमारे पास आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सर जी मेरा मशीन का ये हो गया, मेरा मशीन का वो हो गया, मेरा मशीन में ये चल रहा नहीं, मेरा मशीन में ये नहीं चल रहा। शुरू में आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको मशीन खरीदना है, इस मशीन का जो रेट है वो मैं आपसे लूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं। उसके बजाय हम आपको क्या देंगे, मशीन का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हम आपको देंगे, कि जो क्वालिटी का मशीन आपको चाहिए एक्चुअली वही क्वालिटी का मशीन आपको होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप ठग सकते हैं। दोस्तों, हमारा कहना यह है कि नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आपको सिद्धुका ऑटोमोबाइल्स में मशीनरी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्प चाहिए तो हमें कॉल कर लीजिएगा, आप लिख लीजिए 2400 घंटा हेल्पलाइन, लिख करके आप सेव कर लीजिए ना, सिद्धुका ऑटोमोबाइल्स 2400 घंटा हेल्पलाइन, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। हमारा मजबूरी ये है कि हम जो मशीन बनाते हैं वो नंबर वन बनाते हैं, और आप लोग फिर भी ठग जाते हैं कहीं से मशीन खरीद करके, फिर बाद में दोबारा हम के कॉल करते हैं कि दादा मैं ये फंस गया हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। सोच लीजिए, आपको अगर कोई घर बनाना है तो आप 4-5 साल के लिए थोड़ी ना घर बनाते हैं, अब तो घर बनाते हैं लॉन्ग टाइम, आपका घर चले, आप अच्छा से वहाँ रह सके। और उसके बजाय अगर आप सोचेंगे कि मैं 2-3 साल के लिए घर बनाऊं, तो जो मटेरियल्स आप इस्तेमाल करेंगे वो मटेरियल्स आप 10-20 साल 25 साल का मटेरियल्स में काफ़ी सारा फर्क होता है। तो दोस्तों, मशीन में भी ऐसा ही फर्क होता है, आपको जो मशीन लॉन्ग टाइम तक चलेगा वो खरीदना है, ना कि बल्कि जो मशीन आपको 6-8 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में चल बसेगा वो मशीन मत खरीदिए। कम से कम एक सलाह तो कम से कम हमारा ले लीजिए कि आप मशीन मत खरीदिए, लेकिन कोई झूठ मूठ का मशीन मत खरीदिए। आपको मशीन खरीदने का जरूरत नहीं है, अगर आप मशीन खरीदते हैं तो फिर नंबर वन क्वालिटी का खरीदिए, और इसी दुर्गा में आने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, बाद में आप मशीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मशीन खरीदना भी है, सस्ते में भी चाहिए आपको, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीना 9 महीना। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इन्फॉर्मेशन, चलते चलते एक बार जरूर दिखाऊंगा इस मशीन का अंदर का जो पार्ट्स होता है वो किस तरह हम लोग बना करके रखते हैं, उसे थोड़ा देख लीजिए। और हाँ दोस्तों,
अगर आपको सिद्धार्थ ऑटोमोबाइल्स में मशीनरी पसंद है तो फिर हमें कॉल कर लीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, कभी भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके आप अपना मशीनरी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं आगे के इन्फॉर्मेशन में, नमस्ते।